सऊदी अरब पर यमन के हौसी बागियों का एक और हमला नाकाम। बम्बार ड्रोन को सरहद के करीब मारा गया। तर्जमान अरब अस्करी इतिहाद का आलमी बरादरी से हौसी बागियों के हमलों का नोटिस लेने का मुतालबा। कौन संभालेगा व्हाइट हाउस की कुर्सी जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप? तीन रोज बाद भी फैसला ना हो सका। वोटों की गिनती सुस्त रवि से जारी। डाक से मिलने वाले वोटों में डेमोक्रेट्स के हामी ज्यादा। रह जाने वाली रियासतों में जो बाइडेन की बर्तरी बढ़ने लगी। पांच में से एक भी रियासत से कामयाबी जो बाइडेन को अमरीकी सदर बना सकती है। ट्रंप ने दबे अल्फाज में शिकस्त तस्लीम कर ली। कहते हैं डेमोक्रेट इलेक्शन चोरी ना करते तो मैं जीत जाता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा मिली भगत हो रही है, मुझे धोखे के जरिए जीत से बाहर किया। कानूनी वोट गिने जाएं तो मैं तारीखी कामयाबी हासिल कर चुका हूं। रियासत पेंसिल्वेनिया और मिशिगन की अदालतों ने वोटों की गिनती रुकवाने के लिए ट्रंप की दरख्वास्त मस्तरद कर दी। रियासत जॉर्जिया में भी हुकाम ने सदर ट्रंप की जानिब से धांधली के मुजाकरात की तरदीद कर दी। हुकाम का कहना है कि कहीं बेजाब्तगी के इन शिकायात मिली तो तहकीकात की जाएंगी। जहांगीर तरीन सात माह बाद लंदन से लौट आए। बेटा अली तरीन और अहलिया भी साथ लाहौर वापस पहुंचे। जहांगीर तरीन की अचानक वापसी पर सेनेट इलेक्शन के हवाले से चकमगोइयां जारी। जहांगीर तरीन कहते हैं इलाज के लिए गया था, मेरा कारोबार शफाफ है, अपोजिशन के इल्जाम का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। वज़ीर आज़म इमरान खान आज हसन अब्दाल स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। सवात में जलसा आम से भी खिताब करेंगे। इंसाफ सेहत कार्ड का इफ्तिताह भी करेंगे। पीडीएम के पिशावर जलसे की मेजबानी पर इख्तलाफात खत्म। अब तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर जलसे की मेजबानी करेंगी। 22 नवंबर के जलसे की मेजबानी पर JUI और ANP में रस्साकशी जारी। पाकिस्तान की तारीख में अनोखा मुकदमा। कराची का शहरी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। रोजाना 10 ग्राम चिप्स पीने की इजाजत मांग ली। कहा मफादे आमा की दरखास्त है, मुल्क आमदन में भी इजाफा होगा। अदालत ने दरखास्त नाकाबले समात करार दे दी।